सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्टाइल एंड स्ट्राइक को और साथ दी गई बेल बटन को प्रेस कीजिए मेरी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ हेयर केयर टिप्स, जिससे आप अपने बालों को सुंदर बना सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं। आजकल के टाइम में बाल झड़ने की प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट को सही करना होगा, बहुत ज़्यादा पानी पीना होगा। डाइट अच्छी करें तो उससे बाल आपके अच्छे हो जाएंगे। उसके साथ साथ आप ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो यूज़ कर सकते हैं। सो टिप नंबर वन है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो आप क्या करिए कि नींबू का रस और आंवले का पाउडर मिलाकर अपने स्काल्प पे लगाइए। इसे दो दिन छोड़कर इसे लगाइए तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। दूसरी टिप है, सूखा हुआ आंवला लीजिए और उसे पूरी रात पानी में भिगो दीजिए और नेक्स्ट डे उस पानी से अपने बाल धो लीजिए, तो आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की, स्मूथ और काले भी हो जाएंगे, साथ ही में हेयर ग्रोथ भी होगा। टिप नंबर थ्री, अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो उसके लिए आप दही और बेसन को मिलाकर अपने बालों पर लगाएं और कुछ देर रखें और उसे धो लें, तो इससे डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगा। टिप नंबर फोर, अगर आप बाल लंबे करना चाहते हैं, बहुत घने बाल चाहते हैं, तो हेयर ग्रोथ के लिए आप बादाम लीजिए, भृंगराज लीजिए, त्रिफला लीजिए, चंदन लीजिए, इन चारों का पाउडर बनाकर और उसका लेप बना लीजिए और बालों पर लगाएं, तो इससे क्या होगा, आपके बाल बहुत जल्दी लंबे होंगे। टिप नंबर फाइव, अगर आपके बाल बहुत ड्राई हैं, रूखे सूखे हैं, तो सर धोने के बाद कच्चा दूध लीजिए और उसे अपने बालों पर लगा लीजिए और 10 मिनट के बाद बाल धो लीजिए, तो इससे बाल आपके चमक भी जाएंगे और बाल बहुत स्मूथ और सिल्की भी हो जाएंगे। टिप नंबर सिक्स, गीले बालों पर कंघी कभी ना कीजिए, बाल सूख जाने पर ही कंघी कीजिए, इससे बाल आपके टूटेंगे नहीं। टिप नंबर सेवन, डैंड्रफ को दूर करने के लिए आप नीम और तुलसी के पत्ते लीजिए, उसे पानी में उबाल लीजिए और छान कर उस पानी से सिर धो लीजिए, तो इससे बिल्कुल ही डैंड्रफ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। टिप नंबर एट, बालों में हेयर सीरम बहुत ज़्यादा मत लगाइए, क्योंकि उससे क्या होता है कि बाल बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ऑयली लगने लगते हैं, तो इसीलिए आप बिल्कुल कम क्वांटिटी में बालों पर सीरम लगाइए। टिप नंबर नाइन, बालों को धोते समय अपनी उंगलियों से मसाज भी करते रहिए, इससे क्या होगा, आपके रूट्स स्ट्रांग होंगे। टिप नंबर टेन, जब आप कंडीशनर यूज़ करते हैं तो पहले उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए कि आपको किस तरह से यूज़ करना है, कितनी देर के लिए लगाना है और या फिर लगाते ही उसे धो लेना है। टिप नंबर इलेवन, बालों को धोते समय सिर पर धीरे धीरे पानी डालिए, तेज पानी डालने से बाल उलझ जाते हैं और टूट सकते हैं। टिप नंबर 12, वीक में एक बार अपने हेयर ब्रश और अपने कॉम्ब को जरूर साफ कर लीजिए, इसके अंदर बहुत सारा गंद फंस जाता है जो हमारे रूट्स के अंदर चला जाता है अगर हम बार बार वही कॉम्ब यूज़ कर लें। टिप नंबर 13, बालों को सुखाने के लिए टॉवल की बजाय आप एक टी शर्ट का यूज़ कीजिए, क्योंकि बालों को टॉवल से बांधने से क्या होता है कि आपके बालों पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, रूट्स में जोर पड़ता है, तो उससे आपके बाल बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो इसीलिए आप हल्की सी टी शर्ट लीजिए और उसे अपने बालों पर बांध लीजिए। टिप नंबर 14, अगर आप अपने बालों पर मेहंदी लगाते हैं या कलर लगाते हैं तो एकदम से डायरेक्ट सनलाइट में मत जाइए, इससे बालों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कुछ हेयर केयर टिप, जिससे आप अपनी हेयर की केयर कर सकते हैं और उन्हें मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो और पानी पीजिए। अगर आप मेरी इन टिप्स में से कुछ भी फॉलो करते हैं तो उसे लगातार फॉलो कीजिए। एक बार फॉलो करने से कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलते, तो 3-4 बार आप इसे यूज़ कीजिए तो ही आपको रिजल्ट मिलेंगे और आपके बाल बहुत सुंदर हो जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और इसे शेयर कीजिए, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल।